सर्विस के लिए जब कभी भी गाड़ी है ना, तो सबसे पहले इसकी आइडलिंग चेक करना पड़ता है, आइडलिंग कैसा है। अभी तो फैन चल गया, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले जो ना इसकी आइडलिंग चेक करनी पड़ती है। सर्विसिंग में कुछ भी खोलो मत, अभी आइडलिंग चेक करो, आइडलिंग ठीक है नहीं है। यदि आइडलिंग ठीक नहीं है तो ये थ्रोटल बॉडी और आईएसी वॉल या सर्विस में कंप्लीट करना होता है इन सबको। यदि कंप्लीट नहीं किया ना, तो सर्विस कितना अच्छा कर लो, मज़ा नहीं आता है गाड़ी चलाने में। तो सबसे पहले इसको देखना पड़ता है। अभी मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल बहुत फर्स्ट क्लास है, स्मूथ इंजन है इसका, मतलब इसका मैटर नहीं है कुछ भी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको जब परफेक्ट है तो नहीं छेड़ते हैं, कोई नहीं। वैसे अब मैं सर्विस करने वाला हूँ तो इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट और अपना गियर ऑयल, ब्रेक डिस्क, वाइपर, सारी लाइटें, ये सारी चीज़ें ऐसे मेथड करने वाला हूँ टोटल कंप्लीट। ठीक है, तो बंद करो। और चूँकि पता है क्या है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं ऑयल, आपको दिख रहा होगा नया ऑयल है। पिछली बार मैंने सर्विस करा था, मेरा पीछे स्टिकर भी लग रहा है मेरे दुकान का, ऑयल नया है भाई। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, तो एयर फिल्टर में पिछली बार मैंने ही सर्विस करी थी, मेरा स्टिकर देख सकते हैं पीछे गाड़ी पे लग रहा है, और फिल्टर भी हालांकि ठीक है, पर एयर फिल्टर तो चेंज करना ही होगा हर हाल में, इंजन की सेफ्टी चाहिए। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन लोग इसको हवा मार के चला देते हैं। यार हवा मत मारे करो यार, ये जान है गाड़ियों का, एयर सही से नहीं लेगी गाड़ी ना, थोड़ा सा भी डस्ट अंदर चला गया इंजन के अंदर, फिर हो जाना इंजन का सत्यानाश। तो इसलिए इसको चेंज करो, ऑयल चेंज करो और ऑयल फिल्टर ये कंपलसरी है, कूलेंट देखो, गियर ऑयल चेक करो तब चेंज करो, लेकिन ये तीनों चीज़ें ये सर्विस में करो ही करो हर हाल में, हर दूसरे सर्विस में थ्रोटल बॉडी क्लीन करो। चूँकि मैंने पिछली बार इसका थ्रोटल बॉडी क्लीन करा था, पर अभी ज़रूरत नहीं क्लीन करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कम से कम आसानी से करें, लेकिन नहीं जी, क्या कह सकते हैं। इसका देखना पड़ेगा सेल्फ, वो जब कभी भी डालो ना ऑयल, तो एक आदत सी बना लो पूछने का। या कोई मजाक मस्ती में हम तो पेंटर साहब से पूछते रहते, पेंटर साहब टाइट है नहीं। ठीक है, पंजाब से फोन आ रहा, पंजाब से कभी मुंबई से फोन आ रहा, अच्छा कभी कोलकाता से फोन आ रहा है, ऐसे ही। अभी ये पता नहीं जाने कहां कहां से फोन आते हैं सुबह से शाम। इंजन इससे बढ़िया ऑयल नहीं मानता हूँ कुछ भी, ये कैस्ट्रोल मैग्नेटिक का टक्कर का है, लेकिन कैस्ट्रोल मैग्नेटिक ब्रांडेड होने के बाद भी महंगा है। और ऑयल चेक हो गया, ठीक है। अब बैटरी पानी, बिल्कुल पानी भी ओके है बैटरी का, इसमें भी पानी ओके है, ठीक है। कूलेंट कम है इसमें, लीकेज तो नहीं गई, लीकेज का कूलेंट। इसमें क्यों फील कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें है नहीं और ज़्यादा ओवर नहीं डल पाएगा कूलेंट, इसमें जो भी ओवर होगा ना ऊपरली साइड से बाहर निकल जाएगा रेडिएटर के पास से, बाद में उसमें डालेंगे। कूलेंट उसमें अच्छा है चूँकि, पर 5000 किलोमीटर चलने के बाद से डब्बा खो गया खाली। यार आइटन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यार इस चीज़ का, लीकेज की तो बड़ी बहुत बुरा राग है आइटन में पानी का।
बस इतना हो गया, आने लगा, देखो आ गया ना। अब जितना ओवर होगा इसका वो अपने आप ही लेवल पे आ जाएगा पूरा टोटल। कूलेंट है इसके अंदर, बढ़िया कूलेंट है, कोई बात नहीं। कूलेंट हो गया, हटाओ इसे। अब मैं एक बार पहले स्टार्ट करूँ इसे। ब्रेक ऑयल चेक करेंगे, ब्रेक ऑयल फुल है इसका मतलब ब्रेक डिस्क ठीक है। ब्रेक पैड यदि लेवल डाउन रहता ना तो ब्रेक पैड को चेक करना होता है, फिर भी मैं लेवल फुल है उसके बावजूद भी ब्रेक पैड चेक करूंगा अभी। पर पानी सबसे पहले इसमें डाल के ये हो गई फर्स्ट क्लास स्टार्ट। 800 एसी चला कर देखें। ठीक है, बढ़िया रेस ले रही। हमारा इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज, कूलेंट डल गया, टॉप ऑफ हो गया, ब्रेक ऑयल टॉप ऑफ ही है पूरा, ये भी पूरा है, बैटरी वाटर और वाइपर पानी ओके है, सारी लाइटें ओके हैं, आरपीएम बिल्कुल सेट है, एसी भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, तो ब्रेक सही है, ब्रेक ओके है, गियर ऑयल ओके है, तो सर्विस में यही होता है। अब इसकी वॉशिंग करते हैं और क्लीनिंग करते हैं पूरा, बस ये हो गया, लास्ट में स्टिकर लगेगा इसका नेक्स्ट सर्विस का। अब जो है इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे पूरी, बढ़िया चला फिरा के देखेंगे गाड़ी के अंदर कोई हैंटिंग, कोई प्रॉब्लम, कोई हीटअप, एसी वैसी ट्रिप नहीं मार रहा है, कोई आवाज़ साउंड नीचे सस्पेंशन का, ये सारी चीज़ें टेस्ट होने जा रही है। अरे विजय भाई माँ सेट करो अपना पीछे का, और वाई कम क्लीनिंग हो रही है, तो अंदर की इंटीरियर टोटल क्लीनिंग होगा बढ़िया करके सारे, ये सारे सब चीज़ जहाँ जहाँ से डस्ट है टोटल गाड़ी का डस्ट निकलेगा, और उसके बाद से इसकी वॉशिंग होगी। तो फाइनली हमारा बिल्कुल ओके है, इंजन इस टाइम सर्विस हो गई, अब कंप्लीट है तिवारी जी अपने, तो इनके सामने ही सारा कुछ हो रहा है ये। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, यही मेथड है कंपनी वालों का अपना, बढ़िया करके ऐसे इंजन वास करके यार पॉलिश मार देते हैं बढ़िया दबा के, तो इंजन लगता है यार सॉलिड है, इंजन अच्छा काम हुआ है। और ये हमारे मेन आदमी इमरान भाई हैं, और एक धुलाई वाले मास्टर ये खड़े हैं जिन्होंने गाड़ी धोई है, मेरे तरफ से अभी ये ओके नहीं है गाड़ी धुलाई में, तो लेकिन अभी मैं करवाता हूँ और ओके, अभी थोड़ा इनका एक्सपर्ट नहीं है अभी काम सीखने में, शीशे पे ध्यान रखना, शीशे पे
अब देख सकते हैं आप इंजन का लोकेशन, ये होता है। कहते हैं ना, एक वीडियो मैंने दिखाया था, कहते हैं यार इंजन आप ऐसे कैसे क्लीन करते हैं, तो मेरा क्लीन का मेथड भैया यही था, बिल्कुल बेहतर है। ओके ठीक है, देखो ठीक है। और तिवारी जी जो है ना, आपको पोलो, वोल्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और मर्सिडीज, मेन इंपोर्टेड गाड़ियों का जो है ना, ये वीडियो दिया करेंगे आपको आगे से। अभी आए थे क्योंकि मेरे पास देखने के लिए सर्विस कैसे करता हूँ मैं, तो मेरा मेथड पूरा देखा इन्होंने, और इनसे भी पूछ लेते हैं कि कैसा रहा मेरा मेथड, बताइए कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा, हम यहाँ आ करके बढ़िया खुश हो गए, साफ हो गई पूरी गाड़ी, सर्विस बढ़िया हो गई, और अब हमें कोई कमी नहीं लग रही इस गाड़ी में, एकदम बढ़िया परफेक्ट हो गई। ओके देख सकते हैं कंडीशन, अब मेरी गाड़ी कंप्लीट ओके हो चुकी है, और मैंने जो ये नेक्स्ट सर्विस का स्टिकर भी लगा दिया मैंने, ये देखो 61,000 भी स्टिकर लगा दिया मैंने यहाँ, और पीछे भी मैंने अपना स्टिकर एडवर्टाइज के लिए लगा दिया, चूँकि नंबर ना दिखे, ये अपना एडवर्टाइज के लिए स्टिकर पीछे लगा दिया मैंने, तो ये कंप्लीट हमारे तरफ से हो गई, बस यही था मेथड हम लोगों का भैया सर्विस करने का।